दोस्तों नमस्कार, मैं अमरिंदर पटेल। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आ रही है उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत के राजनीति में बहुत बड़ा भूचाल आने वाला अगले 48 से 62 घंटे के बीच। चुनावी रणभूमि की घोषणा होने वाली है। चुनाव आयोग आचार संहिता लागू कर सकता है और चुनाव आयोग घोषणा कर सकता है, लेकिन सूत्रों के हवाले से बड़ी अपडेट बता दूं कि उत्तर प्रदेश का सियासी समीकरण में भूचाल आने वाला। आपको बता दूं कि बहन कुमारी मायावती जी अपने मुस्लिम कैंडिडेट जो खड़े किए उनको वापस करेंगी और इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकती हैं। यह बहुत बड़ी अटकल लगाई जा सकती है। आपको बता कि जैसे ही चुनावी बिगुल बजेगा, चुनावी घोषणा हो जाएगी, आचार संहिता अगले 48 घंटे के अंदर जैसे ही होगी, बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो चौथी लिस्ट थी अखिलेश यादव और 17 लोकसभा सीट की जो लिस्ट थी कांग्रेस की, ये दोनों लिस्ट पर ब्रेक इसीलिए लगा है और बहन कुमारी मायावती जी भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ घुमा रही हैं ताकि मुस्लिम कैंडिडेट उतार रही हैं, तो भाजपा को ये भनक ना लगे कि बहन जी कहीं इंडिया गठबंधन में आ सकती हैं, ताकि भाजपा को एक क्लियर रहे कि भारतीय जनता पार्टी को ये स्पष्टीकरण रहे कि बहन जी अकेले चुनाव लड़ेंगी और मुस्लिम कैंडिडेट उतारेंगी, ताकि इंडिया गठबंधन हार जाए और भारतीय जनता पार्टी जीत जाए। तो इस तरह से चौंकाने वाली अंदर की खबर मैं बता दूँ, अंदर की खबर यह है कि बहन कुमारी मायावती जी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में आपस में तालमेल बन चुका है, इसीलिए चौथी लिस्ट जारी नहीं की जा रही है। अखिलेश यादव हर एक चीज को पल पल की जानकारी, पल पल की खबर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि निश्चित तौर पर जो अंदरूनी खबर है, अंदरूनी खबर में ये चीजें निकल के आ रही है कि गठबंधन पूरी तरह से फिक्स हो चुका है। बहन जी सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को छका रही है, घुमा रही है मुस्लिम प्रत्याशी उतारकर, ताकि भारतीय जनता पार्टी इस फेरे में रहे कि बहन जी अकेले चुनाव लड़ेंगी और हमारी मदद हो रही है क्योंकि मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर रही हैं। लेकिन खबर यह है कि जैसे ही चुनावी बिगुल की घोषणा हो जाएगी, आचार संहिता लगेगी अगले 48 से 65-62 घंटे के अंदर, जैसे ही घोषणा होने वाली है वैसे ही बहन जी अपने मुस्लिम प्रत्याशी जो थे उनको वापस करेंगे और इंडिया गठबंधन में निश्चित तौर पर आ जाएंगी। और इस गठबंधन में लगातार उस सीटों की जो चर्चा थी, 20 से 22 सीटों पर बहन जी चुनाव लड़ेंगी, इस तरह की अपडेट बताई जा रही है। और 14-15 सीटों, 2-3 सीटें कम कांग्रेस तैयार हो गई है। और आपको बता दें कि 35 से 40 से सीट के आसपास जो है, जो बची हुई सीटें हैं, अखिलेश यादव अपने छोटे दल, चाहे चंद्रशेखर आज़ाद की चर्चा की जाए उनको, और साथ में जो कि बाबू सिंह कुशवाहा से लेकर जो कि सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के जो महेंद्र राजभर है, और साथ में संजय चौहान, केशवदेव मौर और तमाम वो छोटे छोटे दल है, पल्लवी पटेल, उनको टिकट देकर और बाकी सीटों पर समाजवादी पार्टी लड़ेगी। बहुत बड़ी रणनीति पर काम हो रहा, बहुत बड़ी अंदरूनी खबर निकल के आ रही, बहुत बड़ा भूकंप भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आने वाला है अगले 48 घंटे में। जैसे ही चुनावी बिगुल बजेगा, आचार संहिता लगेगी, बहन जी अपने प्रत्याशियों को वापस करके तुरंत इंडिया गठबंधन में आकर और अपने सीटों पर इंडिया गठबंधन बंधन के तहत प्रत्याशी उतारेंगी। एक मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो सकती है। अखिलेश यादव, बहन कुमारी मायावती जी और कांग्रेस के बड़े नेता जो मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी मौजूद रह सकती है अगले 48 घंटे में। बहुत बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है उत्तर प्रदेश के राजनीति में। बड़ी अपडेट, बड़ी खबर। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।